छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित परिणाम में राजनांदगांव जिले की एक होनहार छात्रा ने जिले में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। वहीं प्रदेश की मेरिट सूची में छात्रा ने छठवां स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर छात्रा को सभी लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। वहीं वंशिका साहू ने प्रदेश में छठवां स्थान प्राप्त किया है। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरिट में आके। शुरू से सपना था, मुझे 600 में 587 नंबर्स मिले हैं और 97.84% मेरा आया है। और इसकी तैयारी के लिए बस शुरू से ही अपनी पढ़ाई के टुवर्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मैंने पूरी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की और रोज़ाना बस वही 3 से 4 घंटे नॉर्मल अपनी मस्ती खेल सबको मैंने मेंटेन किया और आज इस पोजिशन। बहुत खुशी हो रही है और शब्द नहीं है, खुशी बयां नहीं कर सकते हम लोग उसकी काबिलियत। मेहनत भी वैसा ही की थी वो, उसके काबिलियत के हिसाब से उसको सफलता मिली है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं जी। यहाँ पढ़ाई की उतनी सुविधा नहीं है, फिर भी छुरिया में कोचिंग क्लासेस वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग वहाँ जो भी उसकी इच्छा थी कि जाऊंगी पढ़ने कोचिंग वगैरह, तो फिर हम लोग भेजे उसके। उल्लेखनीय जो सफलता प्राप्त की है, आज 10वीं की मेरिट लिस्ट में छठवां रैंक जो आई है, इसके लिए उसको लाख लाख मेरे परिवार की ओर से, मेरे ओर से, मेरे समाज की ओर से धन्यवाद। पूरे राजनांदगांव जिला के लिए धन्यवाद है कि लंबे समय से राजनांदगांव जिला में टॉप 10 में नहीं आ रही थी और आज एक सुदूर अंचल में रहते हुए भी जिस टाइप की उसने मेहनत की है और पढ़ाई की लगन से जो पढ़ाई की है और जो आप राजनांदगांव जिला के नाम उसने रोशन किया है, इसलिए ये मेरी पोती को लाख लाख धन्यवाद हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से।